हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो ग्रुप डी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन इस टाइप की है कि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है, तो उनमें कंफ्यूजन है क्या उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। किसी को इस टाइप की कंफ्यूजन है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो किस ईयर का बनवाना है। ये सारे की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद आपकी दूर हो जाएंगी। उससे पहले देखिए, ग्रुप डी का जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अपनी जो डिटेल करेक्ट करनी है जिनकी इनकरेक्ट थी, जैसे कि जिसकी कैटेगरी चेंज हो गई थी, सिर्फ उन्हीं को इसमें करेक्शन करनी है, बाकी को इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा पैनिक है कैंडिडेट्स के अंदर, आप ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं और उस पैनिक से बच सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ आप में एंजाइटी ही क्रिएट करेंगी। आज नहीं तो कल दोबारा फिर पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि ग्रुप डी की जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट होने को है। ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट, आपका रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी की सारी चीजें इन प्रोसेस में है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की या कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है। जिनको जिनकी डिटेल इनकोरेक्ट थी सिर्फ उन्हीं को करेक्ट करनी है, बाकी सारे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आज भी एक नोटिस रिलीज हुआ है इसी वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी कैंडिडेट्स के अंदर। ये तो था ग्रुप डी पोर्टल को लेके। अगर आपको ग्रुप डी पोर्टल को लेकर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। इसके अलावा देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट की वीडियो है कि कौन से डॉक्यूमेंट और किस ईयर के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये वीडियो एक मैं हरियाणा पुलिस के लिए भी लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब आपकी डीवी होगी तब भी, क्योंकि उसके अंदर अलग नोटिस आया हुआ है, एक लेटेस्ट नोटिस आया हुआ है, लेकिन इसके डी का एक ओल्ड नोटिस है। तो पहले बात करते हैं डी की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बेसिक सी चीज है जो रिक्वायर्ड होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है अपने कलेक्ट कर लेने हैं। हो सकता है कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट में जॉब करते हो तो उनको हरियाणा आने की इच्छा है, इसलिए हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट कहीं और पे जमा है, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जमा हो, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतना टाइम, इतनी लिबर्टी मिलेगी कि आप वहां से डॉक्यूमेंट निकाल के यहाँ पे जमा करवा लें। बस ये है कि एक नोटिस वहां पे भी आप दे दें कि ऐसे ऐसे है, इन फ्यूचर मैं रिजाइन करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है जो ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट थी, 10th और 12th। देखो कई बार क्या होता है, जो आपकी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 10th की डीएमसी, लेकिन 12th मैंने इसलिए लिखा है, कई बार क्या होता है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मदर या फादर नेम मिसमैच होता है, फैमिली आईडी में कुछ है, 10th की डीएमसी में कुछ है, या फिर आधार कार्ड में कुछ है, तो उसके लिए आप 12th की भी आपको लेके जानी है, 10th की तो रिक्वायर्ड ही होगी। अगर ऐसा है आपके नाम में कोई मिसमैच है, जैसे कि हो सकता है किसी का नाम कोमल है, किसी की मदर का नाम, और उनकी जो डीएमसी है उसके अंदर देवी लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कल्पना है, कल्पना देवी लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप के हैं, देवी का भी डिफरेंस हो जाता है कई बार, तो आपने ये चीज करनी है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा, एफिडेविट का फॉर्मेट ये होगा कि जो भी नाम है, मान लेते हैं कल्पना नाम है, भाई कल्पना और कल्पना देवी, मैं इन दोनों को जानता हूं और दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इस टाइप का एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा और वो साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, देखो अगर आप सोच रहे हैं कि इसको करेक्ट करवा लें तो वो एक लंबी प्रोसेस है, आपको फैमिली आईडी में करेक्ट कराना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड में करेक्ट कराना पड़ेगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें करेक्शन करवाएं तो ये तो अगर आपने जिस भी बोर्ड से की है तो वहां पे करेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो इसको अवॉइड करके आप सिर्फ एक एफिडेविट बनवा सकते हैं जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट में बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी की पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर नहीं है, और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, देखो काफी कंफ्यूजन कैंडिडेट्स में ये भी है, बीसीए और बीसीबी, तो इसके अलावा ओबीसी,
देखो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है। आई डोंट नो ये कहां से आ रहा है, ये कंफ्यूजन कहां से आ रही है कैंडिडेट्स के अंदर। ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट लेवल पे नहीं होता, वो सेंट्रल लेवल पे होता है। काफी पर्सनल मैसेजेस भी आए थे इसको लेके। आपने सिर्फ ये सर्टिफिकेट बनवाने ए और बी का, ओबीसी का नहीं बनवाना है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है। कभी ये हायरार्की और कैसे सेंट्रल और स्टेट डिस्टिंग्यूज करते हैं डिफरेंट कास्ट को डिफरेंट कैटेगरी में, ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना है ए बी एस सी का और ईडब्ल्यूएस का। देखो ईडब्ल्यूएस में कंफ्यूजन है और फैमिली आईडी में लेके कंफ्यूजन है। तो देखो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या करना है, जिसका भी ईडब्ल्यूएस को जिसको सर्टिफिकेट बनवाना है उसका सर्टिफिकेट कब से कब तक होना चाहिए। देखो जून में फॉर्म फिल हुए थे, जून 2023 में ग्रुप डी के, यानी कि ये बात है 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर, ये है जिसके अंदर ग्रुप डी के फॉर्म फिल हुए थे। फाइनेंशियल ईयर हमेशा दो सालों में लिखा जाता है, हमारा जो नॉर्मल साल है वो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो आपने क्या बनवाना है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका कब से कब तक का होना चाहिए, आपका होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है, ये नोट कर लें ये डेट। अगर आपके पास इस डेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इलिजिबल हैं, आपका सर्टिफिकेट भी इलिजिबल है और आप इलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम करने को, ठीक है। ये ऑफिशियल है, मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूं, ये नहीं है कि अपनी तरफ से बना के बता रहा हूं। ऑफिशियल नोटिस के अंदर भी ये है, जिस भी ईयर में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, ये हर जगह होता है, बशर्त है कि कमीशन या जो भी बॉडी एग्जाम ले रही है उसने अलग से ना मेंशन किया हो। जैसे कई बार हम बात करते हैं यूपीएससी की बात करें या फिर एसएससी की बात करें, उसमें कई बार डेट मेंशन होती है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में बनवाना है, लेकिन जितने भी बाकी अगर जिसमें मेंशन नहीं है तो उसको उसने सिर्फ जो पहले का फाइनेंशियल ईयर है 1 साल पहले वो बनवाना होता है। क्योंकि ये बिल्कुल एक आप ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो कोई भी कमीशन है जब एग्जाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है यानी लास्ट डेट फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट के बाद ज्वाइनिंग तक, उस ड्यूरेशन में कोई भी कमीशन या कोई भी बॉडी नहीं मांगती है, वो पहले का ही मांगती है, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट हो, किसी भी टाइप का इनकम सर्टिफिकेट हो, वो पहले का ही मांगा जाता है। तो इसलिए जो पहले का फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2023, अगर आपके पास इस डेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इलिजिबल हैं, आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज आप बाकी कैटेगरीज में भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अलग अलग कास्ट का सर्टिफिकेट पुराना भी है तो कोई उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, वो भी चलेगा। बट इसमें एक डिफरेंस ये है, 2015-16 के बाद क्या है कि जो कास्ट ये जितने भी सर्टिफिकेट है इनको डिजिटल कर दिया गया है, तो अभी आप जो जितने भी नए सर्टिफिकेट देखेंगे उसपे एक OMR आता है, उसपे एक रीडर आता है, डिजिटल रीडर, जिससे आप ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये डिफरेंस है, अगर वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने लग जाते हैं कई बार तो वहां से इजिली वेरीफाई हो जाता है, हालांकि हरियाणा के अंदर ये नहीं करते, लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल पे जाते हैं ना एग्जाम देने इंडियन नेवी के एयरफोर्स के, वहां पे ये चीज होती है, वो ऑनलाइन वेरीफाई कर देते हैं कई बार उसको स्कैन करके डायरेक्ट, तो वहां से ये इजी हो सकता है। बाकी अगर आपके पास पुराना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इश्यू ये आएगा कि ये डिजिटल हो चुके हैं, पहले वाले डिजिटल नहीं है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को लेके कंफ्यूजन थी, उसमें मैंने आपको बता दिया किस डेट का चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है स्पोर्ट्स वाले, उनको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवाना है, वो उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास जितना पुराना है या नया उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल आपका रेजिडेंस बताता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर का कोई रोल नहीं है ना ही कोई इनकम का रोल है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये हरियाणा डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। मैंने ये चीज जो मेजर कंफ्यूजन थी कैंडिडेट्स के अंदर वो भी सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक फोर्थ नंबर पे है नो जॉब सर्टिफिकेट, नो जॉब सर्टिफिकेट को लेकर भी काफी पर्सनल मैसेजेस आए थे। तो इसमें दो चीज है, देखो
इसमें जब कमीशन ने फॉर्म फिल करवाए थे तभी एक नोटिस भी जारी किया था, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे रजिस्ट्रेशन तो आपने अपलोड किया था सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। लेकिन जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपको चाहिए होगा तहसीलदार से, ठीक है। अब आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको वहां से नंबरदार, पटवारी, तहसीलदार से वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो एमसी, पटवारी और तहसीलदार से वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो ये रिक्वायर्ड है, पहले आपने सेल्फ अटेस्टेड से काम चल गया था क्योंकि ज्यादा हरीनेस होने लगी थी उस टाइम पे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी। तो लेकिन जब आप डीवी करवाएंगे तो यहां से जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, उससे ही वेरीफाई होना चाहिए। तो नो जॉब सर्टिफिकेट तहसीलदार से, ये भी काफी सारे कमेंट थे इस टाइप के। और फिफ्थ नंबर पे देखो जो पीपीपी का था, इसको भी लेकर काफी सारे डाउट थे। इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम, ठीक है। तो देखो फैमिली इनकम है, काफी सारे कैंडिडेट जब अभी पोर्टल पे वो सोच रहे हैं क्लेम करूं या विड्रा कर लूं, फिलहाल पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी अभी फैमिली इनकम बढ़ गई है लेकिन पहले कम थी, तो आपने सेम चीज करनी है। अगर आपकी इस ड्यूरेशन में वो फैमिली इनकम 180 से कम थी या 180 थी तो आप इलिजिबल है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर आपकी अब बढ़ गई है तो उससे कोई इश्यू नहीं है, आपको उसमें भी घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, कोई भी पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आपकी फैमिली इनकम इस 2022 से 23 वाले साल में अगर 180 है तो आप 5 मार्क्स के लिए इलिजिबल है, चाहे आपकी अब इनकम क्यों ना बढ़ गई हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो EWS में इनकम क्राइटेरिया है और एक फैमिली इनकम में इनकम क्राइटेरिया है। आपकी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में अगर आप कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स भी मिलेंगे, आपका EWS का सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। तो ये दो चीजें मेजर कंफ्यूजन थी जो कैंडिडेट्स में थी, आई होप आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर हुई होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करके रखने हैं पहले से ही। और जो ये फैमिली इनकम है, ये आपके पास पुरानी फैमिली आईडी होगी जो 2022-23 की आपने डाउनलोड की होगी या प्रिंट लिया होगा, तो आपको वही फैमिली आईडी लेके जानी है, उसी फैमिली आईडी से आपकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने कवर करनी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, आप अदर स्टेट में जॉब करते हैं, सेंट्रल लेवल पे जॉब करते हैं, आपकी साउथ जोन में जॉब है, आप हरियाणा में आना चाहते हैं, बसर्त मतलब आपको इस चीज से नहीं लेना देना, आपको सिर्फ रीजन चाहिए, आपके घर के आसपास जॉब चाहिए, उसमें कंफ्यूजन है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं और जमा, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। हमारी पूरी की पूरी टीम, आज तक जितने भी कमेंट हमारे पास हुए हैं हर वीडियो के अंदर, हमने रिप्लाई किया उनका। तो अगेन आई एम सेइंग दैट कि फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। तो ये सब चीजें थी ग्रुप डी के लेके, जितने भी डॉक्यूमेंट थे जिनकी वेरिफिकेशन होगी, जो भी कंफ्यूजन थी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।